माई नेम इज एलिना एंड इस कॉलेज में मैं नहीं हूँ, तो इफ यू डोंट माइंड क्या हम फ्रेंड बन सकते हैं? या श्योर, जस्ट साइड में चलना। तू चुप है तो ये तू क्या कर रही है? क्यों, क्या हो गया? देख, तू सिर्फ मेरे बेस पे है, समझी? और वो तो आज ही आई है, और हम दोनों तो बचपन से साथ है ना। अरे हाँ बाबा हाँ, मैं सिर्फ तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ, और मैं तो बस उससे नॉर्मली बात कर रही थी। क्या हो गया, एनी प्रॉब्लम? सब कुछ नॉर्मल तो है ना? हाँ सब नॉर्मल है। सोमा से कैसे दोस्ती कर ली? अभी भी मौका है तेरे पास, हट जा वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। आशय तू क्या कर रही है, पागल हो गई है क्या? ज्यादा भी सही नहीं है, समझी? कल के आई हुई लड़की के लिए तू मुझसे बहस कर रही है? बात बहस की नहीं है, बात सही और गलत की है, और तू इस वक्त गलत है। और मैं गलत का साथ कभी नहीं देती। चल अलिंदा, देखिए शोभन आज पहली बार तुझे ऐसे चिल्लाया। दो दिन नहीं हुए उस लड़की को आने में, तेरी दोस्ती में आग लगा। ये दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी। अब कौन कहेगा सॉरी मैंने देखा नहीं। सॉरी माय फुट, आपके घर में छोड़ के आई क्या? इतना गुस्सा सही नहीं है, समझी ना? तूने उसे जाने क्यों दिया? मैं उसकी जान ले लूंगी, तुझ पे कोई हाथ उठाए ये मुझे हरगिज़ मंजूर नहीं। अरे पापा शांत हो जा, और सॉरी कल के लिए, मैंने तुझे कुछ ज्यादा ही सुना दिया था कल। कोई बात नहीं, ओके मैं भी चलती हूँ, मेरे बहुत जरूरी काम है, मैं कल मिलती हूँ। रिश्ते पुराने किसी नहीं के आ जाने, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। जाता हूँ मैं तो मुझे तू जाने दे। क्या हुआ, सब मुझसे डर क्यों रहे, कोई मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है? अरे कल जो लड़की से तेरा झगड़ा लगा था ना, उसका मर्डर हो गया। क्या, ये तू क्या बोल रही है? हाँ सच में, तूने क्या सोचा तू उसको थप्पड़ मारकर चुपचाप निकल जाएगी? उस पे कोई उंगली उठाए मैं उसको उंगली तोड़ दूँ, और तूने तो पूरा हाथ उठाया, तू सोच तुझे मैं क्या करूँगी? पर ऐसे अचानक, कहीं तूने तो कुछ नहीं किया ना? अरे नहीं नहीं पागल, मैं ऐसे क्यों करूँगी? पक्का कुछ नहीं किया ना? अरे बाबा नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया, चल क्लास का टाइम हो रहा है। ये तू क्या करने जा रही थी? देखिए बिल्कुल सही नहीं है, तू मेरे लिए क्यों किसी की जान लेगी बोल? किसी को मारने का हक तुझे बिल्कुल नहीं है, चल अब यहाँ से चल। अब कौन कहेगा, तू ही बेवजह। तू नहीं सोच रहेगी ना, और दीपा को भी तूने ही मारा था ना? तुझे कैसे पता चला? दीपा को तो मार दिया मैंने, अब अलीना का बारी। ज्यादा हमारा फ्रेंडशिप तो नहीं ना, अब भी जाके खेल खत्म कर दो। एक बार तो गलती कर दी तूने, अब मैं तुझे दोबारा गलती करने नहीं दूंगी। फेंक के गा छोड़ी गा, आज मैं उसे मार के लौटती हूं। क्या कर रहे तुम लोग, छोड़ो। नहीं मत कर, तू झूठा तो कौन हंसेगा, तू झूठा। यार तुमने क्या कर दिया, क्यों मारा सभा को? तू ये सब तो गलती से हुआ, और तू ज्यादा नाटक मत कर, ये सब तेरे वजह से हुआ है। तू मुझे गलत समझ रही है, तू जैसा सोच रही है ऐसा कुछ नहीं है। माफ करना आशा, मुझे लेकर कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव है, वो बचपन से ही ऐसी ही है। उसकी बातों का बुरा मत मानना, ऐसे वो दिल की बहुत अच्छी है, देखना एक दिन वो खुद तुमसे दोस्ती करेगी। हाँ बट तुम दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी है, मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। तुम्हारे लिए लाने से आशा को गुस्सा आएगा, और मेरे छाती में खामों का कोई झमेला हो, और हमारी दोस्ती में कोई दरार है, इसलिए बेटर यही होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। ठीक है बट मैंने मीन हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे। थैंक यू, अब जाओ। प्लीज मुझे माफ कर दे शोभा, अब से ऐसे नहीं होगा, प्लीज उठ जा।
प्लीज उठ जा शोभा, प्लीज उठ जा। ले तू कहती है तो मैं उठ जाती हूँ। जाता हूँ मैं तो मुझे तू जाने दे। अरे पागल, मुझे गोली नहीं लगी थी, मैं तो बस नाटक कर रही थी। और मैंने और अलीना ने मिलकर ये प्लानिंग किया था, क्योंकि मुझे पता था कि तू अलीना को मारने जरूर आई। टूटा है तू, क्योंकि हम चाहते थे कि तुझे तेरा गलती का एहसास हो। और वैसे भी तेरे जैसे बेस्ट फ्रेंड होते हुए मैं इतनी जल्दी कैसे मर सकती हूँ, बोल। मुझे माफ करना शोभा, मैं अपने दोस्ती को लेकर कुछ ज्यादा ही पॉसेसिव हो गई थी। और अलीना तुझे भी सॉरी, मैं खामखा तेरे बारे में गलत सोची और इतना बुरा भला बोल दिया। अरे कोई बात नहीं, चल फाइनली तुझे अपनी गलती का एहसास तो हुआ। अरे तू भी आ जा।